बाजार में प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर कृषि बिल के विरोध में वर्चुअल किसान महासम्मेलन का आयोजन किया गया। बलौदाबाजार जिला अध्यक्ष क्षेत्रेंद्र ठाकुर के नेतृत्व में नगर भवन में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए लोगों ने महासम्मेलन में भाग लिया। प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और अन्य मंत्रियों ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए किसानों को संबोधित किया। जिला अध्यक्ष हितेंद्र ठाकुर ने बताया कि इस बिल के कारण दैनिक वस्तुओं के भाव बढ़ जाएंगे और किसानों की आर्थिक स्थिति खराब होती चली जाएगी। के विरोध में आज वर्चुअल रैली के माध्यम से पूरे जिले भर के किसान आज यहाँ उपस्थित हुए हैं। जिला कांग्रेस कमेटी बड़ौदाबाजार की तरफ से आज हम सब इस बात का विरोध कर रहे हैं कि जो उन्होंने कानून पास किया केंद्र सरकार ने वो कानून वापस लिया जाए, क्योंकि ये कानून किसान विरोधी है। काले कानून पारित किए हैं, क्या कहें कि ठोका गया है, उसके विरोध में आज के कार्यक्रम रखा गया है। ऐसे जो कानून बनाया गया है जो किसान के हित में नहीं है, इसे सिर्फ बिचौलिया लाभ उठा पाएंगे किसान, बिल्कुल उनको अपने उपज का सही मूल्य नहीं मिल पाएगा। किसानों के द्वारा कांग्रेस पार्टी के द्वारा विरोध किया जा रहा है, क्योंकि नरेंद्र मोदी की निगाहें तो है सामने तो रखा है किसानों को, लेकिन उनका मूल उद्देश्य जो है पूंजीपतियों के हाथों में कृषि कार्य को गुलाम बनाने के, और जिसके कारण पूरे देश में महंगाई बढ़ेगी, जमाखोरी बढ़ेगी, काला बाजारी बढ़ेगी, इस तरह पूरे देश में आने वाला समय भयंकर आर्थिक नुकसान देखना पड़ेगा।